दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर हेमंत मदान है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि इंक्रीजिंगली हार्ट ओपीडी और कार्डियक पेशेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। वो है कि पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या बाईपास कराने के बाद भी अपने सिम्टम्स में उतना रिलीफ नहीं पाते जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैं उनके कारणों के बारे में डिस्कस करूंगा और उनसे कैसे ट्रीटमेंट कराया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मेरे से अक्सर पेशेंट्स आके ओपीडी में ये बहुत बारी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो अपना एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग करा लिया या बाईपास ऑपरेशन करा लिया, मगर उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हमें लगता था होगा, या हमारा सांस अभी भी फूलता है, हमारे पैरों में अभी भी सोजस रहती है। तो इसके अनेकों कारण होते हैं कि पेशेंट्स को एक किस्म से उतना इम्प्रूवमेंट रीवैस्कुलराइजेशन के बाद नहीं मिलता जितनी हमें उम्मीद होती है या जितनी पेशेंट्स को उम्मीद होती है। इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि हार्ट अटैक के बाद अगर मरीज़ या रोगी हॉस्पिटल लेट पहुँचे, इतनी लेट पहुँचे जबकि हार्ट का मसल ऑलरेडी डैमेज हो गया हो, तो नस खुलने के बावजूद हार्ट का पंपिंग एक्शन सफ़र करता है, हार्ट का पंप कमज़ोर रह जाता है। और जब हार्ट का पंप कमज़ोर रह जाता है तो फिर वो पंप को दोबारा रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स का सांस फूलता है या थकावट रहती है या पैरों में सोजस आती है। दूसरा कारण ये होता है कि कभी कभी हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के बाद कुछ मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से रिलेटेड नहीं होते हैं, मगर इनको इन चीज़ों से एड्रेस भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मिट्रल वाल्व में लीकेज हो गया तो उसकी वजह से सांस फूलता है, थकावट रहती है, या कभी कभी हार्ट के दो चैम्बर्स के बीच में एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, वो अटैक का एक कॉम्प्लिकेशन छोड़ जाता है जो कि स्टेंटिंग से या बाईपास सर्जरी से क्योर नहीं होता है। ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों में आते हैं जो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और जो हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल ठीक टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। क्या इनको बचाया जा सकता है? डेफिनेटली इनको बचाया जा सकता है अगर हमारे में एक किस्म से अवेयरनेस हो कि हमें कोई भी सिम्टम होने से एक ECG करा के तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल पहुंचना है और आर्टरी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्टरी को खुलवाना है। पुराने ज़माने में कहते थे टाइम इज़ मायोकार्डियम, उसका मतलब यही है कि हम जितना टाइम गंवाते रहेंगे उतना हार्ट अटैक के की वजह से मसल डैमेज होता रहेगा, और अगर हम लेट पहुंचेंगे तो आर्टरी खोलने के बावजूद उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना उस आदमी को होता है जो एक या दो घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इंडिया में अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास ऑपरेशन हो चुका है, मगर वो तो भी अपने सिम्टम से जूझते रहते हैं। इनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके ECG एक किस्म से उचित होता है, तो उनको हम डिवाइसेस ऑफ़र करते हैं जिनको CRTD या CRTP डिवाइस कहते हैं, जो कि हार्ट के पंपिंग में थोड़ा सा एड करते हैं, हार्ट के फेलिंग हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी है उसको करेक्ट करते हैं। अगर उससे भी आराम नहीं, अगर वो पेशेंट उसके लिए सूटेबल नहीं होता है, तो फिर हमारे पास वाल्व की लीकेज कम करने के लिए दोनों सर्जिकल मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, और आजकल परक्यूटेनियस मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिनको माइट्रा क्लिप कहते हैं, जिसकी वजह से उचित पेशेंट्स में वाल्व का लीकेज रोका जा सकता है। जैसा मैंने कहा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाए, अगर हार्ट के दो चैम्बर्स के बीच में छेद हो जाए, तो उसको भी हम डिवाइस के द्वारा बंद कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का हार्ट फेलियर, पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। ऑफ़ कोर्स फाइनली अगर पेशेंट इनमें से किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल ना हो, तो फिर हमारे सर्जिकल कोलीग्स जो हैं वो हमारे
एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर एसिस डिवाइसेस कहते हैं, जिनसे पंप, हार्ट के पंप को सपोर्ट दिया किया जा सकता है और उससे हार्ट का पंप टेम्पररली इम्प्रूव किया जा सकता है। टेम्पररी का मतलब है, नाउ देर आर स्टडीज़ विच शो के अप टू 5 ईयर्स और 7 ईयर्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर एसिस डिवाइसेस लगाने के बाद हार्ट का पंप सपोर्ट किया जा सकता है। और फाइनली कार्डियक ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ नाउ बिकमिंग अ रियलिटी। हार्ट ट्रांसप्लांट अलग अलग शहरों में आजकल अवेलेबल है। तो जो पेशेंट्स इतने पुअर LV फंक्शन वाले होते हैं, जिनको हम अदरवाइज़ किसी और चीज़ से सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको हम ट्रांसप्लांट लिस्ट में डाल देते हैं। अगर इस पूरे मेरे टॉक का अगर एक मूल निचोड़ है, वो ये है कि अपने सिम्टम्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। हार्ट अटैक अगर आया है किसी इंसान को, तो उसका जितना जल्दी उसका इलाज कराया जा सके, जितनी जल्दी उसकी आर्टरी खोली जा सके, उतना उसको फ़ायदा होगा, उतना ही उसके लेट या डिलेड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होंगे। हाउएवर, जो पेशेंट्स लेट कॉम्प्लिकेशंस के पास में एंटर भी कर जाते हैं, उनके लिए भी हार्ट फेलियर क्लिनिक्स के द्वारा हमारे पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनसे उनके सिम्टम्स को आराम पहुंचाया जा सकता है और उनकी जीवन की आयु को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।